स्टूडेंट्स टुडे विल फाइंड द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन जिसमें रेट किस पर डिपेंड करे? कंसंट्रेशन की 1 पावर पर। इट मींस रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज बाय पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर रेट को पुट करना पड़ेगा कि रेट का मतलब क्या है। एंड वी नो रेट मींस, जैसे कल किया था जीरो ऑर्डर के लिए, रेट का मतलब क्या हुआ? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डी ए। डी मींस चेंज, ए मींस रिएक्टेंट। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम। और अगर रिएक्टेंट ही है, इट मींस उसकी कंसंट्रेशन क्या है? डिक्रीज होगी। दैट्स वाई साइन क्या होगा यहाँ पर? माइनस। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब ये वैल्यू डी पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, ठीक है। अब इसके बाद इसके साइन को आप चेंज कर दो, साइन को ऐसे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। साइन चेंज करने से आपको आगे फर्दर इंटीग्रेशन में इजी रहेगा। अब इसके बाद आपको डी टी को इधर भेज दो और ए इसको नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा? डी ए डिवाइड बाय ए इनटू माइनस के डी टी, हो गया ये, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन मीन्स स्मॉल स्मॉल चेंजेस को जोड़ना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब इस तरीके से साइन इंटीग्रेशन का, और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन के बाद बट डी से पहले आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हम स्मॉल चेंज की करेंगे। के का कोई स्मॉल चेंज नहीं है, के की यहाँ होल वैल्यू ही है। डी मीन्स स्मॉल चेंज इन टाइम, उन्हें जोड़ना है हमें। दैट्स वाई यहाँ पर साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन का, ओके। अब इसके बाद देखो, ये आपके इंटीग्रेशन के रूल्स हैं, मैथमेटिक्स में आपके टीचर एक्सप्लेन कर देंगे। बट हेयर अगर आप इंटीग्रेशन करते हो इस तरीके से डी ए डिवाइड बाई ए, तो इसकी वैल्यू होती है नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेचुरल लॉग ऑफ ए जो भी है उसका नेचुरल लॉग, ठीक, इज इक्वल टू माइनस के। अब डी टी की कैंस क्या हो जाएगी? टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी मीन्स एक पूरा टाइम टी आ गया, प्लस आई। आई इज हेयर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आई इज हेयर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे कल हमने जीरो ऑर्डर में किया था, यहाँ पर भी आपको आई की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कल सेम तरीके से ही हम सपोज करेंगे कि टाइम अगर टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम क्या है? जीरो, तो उस समय जो कंसंट्रेशन है आपकी वो कितनी होगी? ए नोट, दैट विल बी ए नोट, क्योंकि वहाँ पर ए नोट को आप ऐसे कर लो, ए नोट मीन्स कंसंट्रेशन किया, जब टाइम स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, दैट्स वाई ए नोट। वो वैल्यू पुट कर दी हमने, वही चीज़ आपको पुट करनी है यहाँ पर। इट मीन्स अगर आपके पास टाइम जीरो है, तो देखो वैल्यू ए क्या हो जाएगा? ए नोट, दैट्स वाई ए विल बी इक्वल टू ए नोट इंटू माइनस k इंटू जीरो, टाइम क्या है? जीरो, प्लस i, ये तो जीरो कट गया, तो i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट, वो वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट। तो ये क्या हो गया? ये तो नेचुरल लॉग हो गया, नेचुरल लॉग a इंटू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी हमने आई की, वहाँ से टाइम टी जीरो मान करके, उस समय नेचुरल लॉग इज ए नॉट, वो यहाँ पुट कर दिया। अब एक काम करो, के को आप अगर इधर ले जाते हो, ठीक है, तो इसको आप फिर इधर ले जाओगे। सिंपली मैथ की रीअरेंजमेंट है, मैथमेटिक्स पोर्शन है पूरा का पूरा ये, ठीक। तो कैसे होगा ये? के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया आपके पास। नाउ थोड़ा सा आपको यहाँ लॉग का कंसेप्ट जो आता होगा, अगर नहीं भी आता थोड़ा सा समझ लो हल्का सा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग क्या होता है? लॉग मीन्स
बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन है, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास कैलकुलेशन ये है 9872899 × 998789, इसे फाइंड करना है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल रहेगी आपके लिए और बहुत मुश्किल रहेगी अगर कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लॉग टेबल है तो ये बहुत ईजिली हो सकता है, क्योंकि लॉग में करते क्या हैं हम, अगर इसका और इसका लॉग निकालेंगे, मीन्स इसका लॉग ले लोगे आप और इसका लॉग, तो लॉग में क्या होता है, जो आपके पास मल्टीप्लाई है उसे ऐड कर देंगे और जो डिवाइड हो रहा है उसे क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है। तो वी नो कि माइनस मीन्स कि सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना इजी होगा एज़ कंपेयर टू द डिवीज़न और द मल्टीप्लिकेशन। तो लॉग में हम हमेशा जो चीज़ माइनस होती है वो क्या डिवीज़न से आई होती है, और अगर वो प्लस हो रही है कहाँ से आती है, मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब ये आपके पास माइनस है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको अलग से, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, देखो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाय ए, दोनों का ही नेचुरल लॉग ले लिया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे होगा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो इसे फर्दर, ठीक। अब नेचुरल लॉग से आप रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकते, ऑल दो नेचुरल लॉग से कुछ लोग करते हैं, बट बहुत ही एक टिपिकल हो जाएगा, और आपके पास बुक में जितने भी क्वेश्चन सोल्व हैं वो सिंपल लॉग से किए गए हैं जिसकी पावर 10 होगी। तो आपको इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा के टी, तो इसको लिखोगे लॉग, जैसे ही लॉग लिखा आपने यहाँ तो उससे पहले क्या आएगा 2.303। तो यहाँ अभी किस में कन्वर्ट, जैसे ही 2.303 लिखा ln will change into log, log of initial concentration divided by final concentration, और ये आपके पास integrated rate equation आ जाती है first order की। और ये formula भी है जो बहुत बहुत ज़्यादा important है board exam के लिए, first order के बहुत ज़्यादा numerical आते हैं आपके पास plus two board exam में। तो अगर आपके पास उस numerical में T दिया है तो नीचे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर T निकालना है तो यहाँ K लिखोगे, और अगर K निकालना है तो नीचे यहाँ पर टाइम दिया होगा वो वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक। तो ये आपके पास आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक और पोर्शन करना है, अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊँगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स अभी हम नहीं करेंगे। इससे पहले हमें करना क्या है, रेट कांस्टेंट, व्हाट वी हैव टू डू इज रेट कांस्टेंट, क्योंकि वो पोर्शन ना हमेशा रह जाता है बीच में इस तरीके से। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, फर्स्ट जैसे आपके पास ये दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये K की वैल्यू को बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। और इसकी जो डेफिनेशन है हम पहले पुट कुछ पहले ही निकाल चुके हैं, एक्सप्लेन हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में, कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज 1। अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को 1 या यूनिटी मान लेते हो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपके पास रेट कांस्टेंट के रिगार्डिंग एक चीज और बचती है, वो है इसकी यूनिट्स फाइंड करना, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट्स को फाइंड करना। अब सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे, देखो ये ए नोट नहीं है, ये ए रेज बाय पावर जीरो है, इट मीन्स रेट इज इक्वल टू ओनली के। अब आपको के की यूनिट्स फाइंड करनी है फॉर द जीरो ऑर्डर, तो वेरी सिंपल कैसे करेंगे, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, चेंज इन डी ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम इनटू इज इक्वल टू के डी ए, ए इज अ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस मोल पर लीटर,
एंड टाइम के लिए पर सेकंड या पर मिनट इज इक्वल टू के। सो फॉर द फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या यूनिट हो गई के की आपके पास, मोल पर लीटर पर सेकंड, जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की है वही यूनिट हो जाती है जीरो ऑर्डर के लिए के की। ठीक, अगर इसको आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज बाय पावर वन। ओके, नाउ रेट मीन्स डी ए डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। नाउ डी ए मीन्स मोल पर लीटर, डी ए का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट वही रहेगी मोल पर लीटर, डिवाइड बाय टाइम सेकंड इज इक्वल टू के इंटू, तो ए का मतलब क्या हो गया मोल पर लीटर, इट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ए मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोल पर लीटर। तो अब क्या करो आप, इस मोल पर लीटर को नीचे ले जाओ या फिर इससे ये कट ही जाएगा, आल दो आप चाहो तो उसको नीचे काट दो जा करके। अब के की वैल्यू क्या आ जाएगी पर सेकंड, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी ये पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या हुई यूनिट पर सेकंड, और लास्ट कर लेते हैं एक और सेकंड ऑर्डर के लिए, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। ऑल दो आप चाहो तो उसको किसी भी ऑर्डर के लिए फाइंड कर सकते हो, बट सेकंड ऑर्डर करने के बाद आपको इतना पता लग जाएगा कि अगर थर्ड या फोर्थ भी दिया है, ऑल दो बहुत कम चांस है देने के, बट दिया हुआ भी है तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज बाय पावर टू, इट मीन्स इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेज बाय पावर टू। रेट इज डी ए डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए रेज बाय पावर टू। ठीक, अब डी ए मीन्स मोल पर लीटर टाइम सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर रेज बाय पावर टू। अब एक काम करो, इसको नीचे ले जाओगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा, इंटू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, टू टाइम्स था आपने इसको ऐसे लिख दिया मोल पर लीटर मोल पर लीटर, एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कट गया। ठीक, अब ये बचेगा क्या, देखो जो ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे पर मोल, ये पर था तो सिंपल लीटर बन जाएगा पर सेकंड, तो के क्या बन जाएगा, इसका उल्टा क्या बनेगा पर मोल, लीटर यहाँ पर माइनस में तो सिंपल ये बन जाएगा, सेकंड सिंपल है तो क्या बन जाएगा माइनस पर मोल लीटर पर सेकंड, इट इज द यूनिट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड होगी तो आप दोबारा से इसको यहाँ पर एक और मोल पर लीटर पर सेकंड यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और थर्ड के लिए भी एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। तो आज यहाँ पर ये कंसेप्ट पूरा हुआ, अब हम कल फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।